क्या बना रहे हैं आप? झाड़ू बना रहे हैं। ये यकीनन किसी कीमती जगह के लिए होगी। इस झाड़ू से कहाँ की सफाई की जाएगी? गुम्बद खिजरा की पाशा है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सफाई के लिए बना रहे हैं हम तहसीन पाशा। हम चाहते हैं कि हमारी बनाई हुई इस झाड़ू से गुम्बद खजरा की सफाई की जाए ताकि उस पर गर्द न जम सके। इसीलिए हम इसका इतना इहतमाम कर रहे हैं। तहसीन पाशा, हर शय से भी ज्यादा कीमती हमारे लिए अपने पैगंबर अकरम की खिदमत करना है। हमारा दिल उनकी मोहब्बत से शाद है, हमारी आंखें उनकी याद में नम है, हर सांस में उनके लिए अकीदत है। यकीन जानिए पाशा, हमारे दिल में हर लम्हा उनकी याद की तड़प रहती है। कभी कभार हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं पाशा। क्यों सुल्तान बादशाह? इस उम्मीद में उनकी खुशबू पा सकें। सोचते हैं कि जब आंखें खोलें तो सामने दुनिया जहां कुछ ना हो, बस पैगंबर अकरम के रुख रोशन का दीदार हो जाए। और कभी सोचते हैं कि उनकी आवाज मुबारक हमारी समातों में रस खोल जाए, उनकी आवाज कितनी मुबारक और बाबरकत होगी। काश हम उनके इश्क की बारिश में भीग कर अबदी करार पा सकें। और कभी ये सोचते हैं कि काश कभी रहमतुल्लिल आलमीन अपने दस्ते मुबारक से हमें एक निवाला ही खिला दें और उस निवाले की बरकत से हम हमेशा के लिए सैर हो जाएं। काश उनके दरियाए रहमत से हमें भी भीख मिल जाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं हम। काश हम उनके दर की झाड़ू लगाने पर मामूर होते। लेकिन हम इस काबिल नहीं है पाशा। बस इसीलिए रोजे रसूल की सफाई के लिए झाड़ू हम अपने हाथों से बना रहे हैं। हमने इससे पहले भी बनाई है पाशा। ज़ईफ हो गई। देखिए पाशा, इन सब को भी हमने अपने ही हाथों से बनाया था। ये रोज़े रसूल की खुशबू से महक रही हैं, लेकिन हम उनके लायक नहीं पाशा, और न ही हमारी मोहब्बत। शायर ने भी उनका रुतबा बताने की कोशिश की, लेकिन हम ना समझ सके। आप नबियों के सरदार, दो आलम के सरकार हैं। गरीबों और बेसहारों का आप ही सहारा है। दीवाने इलाही में आपका मकाम अफजल तरीन है। आप हबीब किबरिया रहमतुल्लिल आलमीन हैं। आप अहमद व महमूद व मोहम्मद हैं मेरे हुजूर। हक को जिसने बुलंद किया आप वो हैं मेरे हुजूर।